टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट पर एक खास मैसेज दिया था। दरअसल महेंद्र सिंह ने शनिवार 15 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा। धोनी के साथ कई मैच जिताऊ पारी खेलने वाले युवराज सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर धोनी को संदेश दिया था। युवी ने इंस्टाग्राम शेयर किए गए अपने वीडियो के जरिए धोनी के साथ देश के लिए खेली गई पारियों की एक झलक दिखाई। भारतीय क्रिकेट के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने योगदान की तारीफ करने के अलावा युवराज ने उनके साथ वर्ल्ड टी20 2007 और 2011 में 50 ओवर के वर्ल्ड कप जीतने की यादों को भी ताजा किया। वहीं आपको बता दें, युवराज ने मैसेज किया, एक शानदार करियर के लिए बहुत बहुत बधाई। देश के लिए मैदान पर 2007 और 2011 वर्ल्ड ट्रॉफी के साथ उठाने और कई यादगार साझेदारियों को काफी एंजॉय किया। भविष्य के लिए तुम्हें मेरी शुभकामनाएं। वहीं आपको बता दें, अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा कि धोनी के विदाई मैच के बारे में बीसीसीआई विचार कर रहा है। एक अधिकारी ने यह भी बताया, इस वक्त तो कोई इंटरनेशनल मैच नहीं होने वाला, तो शायद आईपीएल के बाद हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि धोनी ने देश के लिए काफी कुछ किया है और वो सभी सम्मान पाने के अधिकार रखते हैं। हम हमेशा से यही चाहते थे कि उनके लिए एक विदाई मैच हो, लेकिन धोनी एकदम से अलग खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा कर दी, जबकि कोई इसके बारे में सोच भी नहीं रहा था। क्या धोनी से इस बारे में कुछ बात हुई, तो इसे पूछे जाने पर उन्होंने कहा नहीं, लेकिन हम आईपीएल के दौरान उनसे बात करेंगे। सीरीज या मैच कराने के बारे में उनके विचार जानने के लिए वो जगह बिल्कुल सही रहेगी। उनके लिए एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो राजी होते हैं या नहीं, उनका सम्मान करना हमारे लिए गर्व की बात होगी। मैं आपको बता दें, पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल ने भी बातचीत के दौरान बताया कि मुझे काफी खुशी होगी, वो एक महान खिलाड़ी हैं और आप उनको ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, उनके फैंस अपने स्टार को दोबारा खेलते हुए देखना चाहते हैं। वहीं आपको बता दें, सूत्रों की माने तो यूवी के फैंस का मानना है कि जब युवराज सिंह को फेयरवेल मैच नहीं मिला तो फिर माही फेयरवेल मैच के हकदार कैसे हो सकते हैं। खैर, आपको क्या लगता है हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना ना भूलें। LD न्यूज रूम की रिपोर्ट।